बस नुका आप मजे नहीं है माइक के इको खत्म करे साथी जो है इको नहीं है इसमें पहले से ही अच्छी खत्म कर हेलो इको ऑफ फोटो मौजिद साफी हजरात बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी तहरीक का आज 61वां दिन है। तुर्बत में बालाच बलोच के मारवा अदालत कत्ल के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक आज पूरे बलोचिस्तान में रियासती जुल्म जबर और बर्बरियत के खिलाफ एक मुनज्जम तहरीक बन चुका है और हौसला अफजा अमर यह है कि यह तहरीक पूरे खित्ते के मजलूम अवाम के लिए उम्मीद और हौसले का बायस है और इस तहरीक को पूरे खित्ते के मजलूम अवाम की हिमायत और मदद हासिल है। जिस तरह जुल्म और जबर के खिलाफ उभरने वाला ये पुरअमन तहरीक जिसने तुर्बत से इस्लामाबाद तक एक पत्थर भी किसी को नहीं मारा वो अपने आगाज से रियासी तशद्दुद और मजालिम का शिकार है। ये बात आप साफी हजरात समेत पूरी दुनिया के लिए इस हकीकत को आश्कार करने के लिए काफी है कि ये रियासत गुज़श्ता 75 सालों से बलूचिस्तान पर एक कॉलोनी की तर्ज पर हुक्मरानी कर रही है जहां इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, जहां बलोच अवाम का कत्लेआम और इन पर जबर करने वाले रियासती गमाश्तों पर मुश्तमिल टोला लोगों को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिनके जुल्म से आज बलूचिस्तान का हर घर मुतासिर है, जहाँ रहने वाले लोग किस कदर रियासती जबर और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आज आप साथी हजरात अर्जी शऊर इंसान इस बात पर बहस कर रही है कि जब ये रियासत अपने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हजारों कैमरों इंसानी हकूक की तंजीम और सहाफियों की मौजूदगी में बलोच खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल एक पुरअमन धरने को चारों तरफ से खारदार तारों से बंद करके हर रोज धमकी अरासगी प्रोफाइलिंग और पुरतशद्दुद जैसे संगीन इकदाम से दबाने की कोशिश कर रही है तो इस्लामाबाद से हजारों किलोमीटर दूर बलोचिस्तान के दूर अफदादा इलाकों में रियासत का रवैया बलोचों के साथ कैसा होगा। वो गांव जहां इंटरनेट तो दूर बिजली भी नहीं है तो वहां रियासत बलोच अवाम पर किस कदर जुल्म करता होगा, जहां पर एक आम सिपाही और एक आम रियासती डेथ स्क्वाड अपना कानून बनाकर लोगों को सरेआम कत्ल और अगवा करते हैं, जहां पर आईन कानून सजा और जजा सब कुछ सिक्योरिटी अदारे ही मुहैया करते हैं। इस जंगल के कानून में हमारे हर तबके के लोग मुतासिर हैं। बीवाईसी शुरू दिन से किसी भी गैर इंसानी अमल के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है और हम ये ऐद कर चुके हैं कि बलोच कौम के साथ साथ इस खित्ते में किसी भी गैर इंसानी अमल रियासती मजालिम के खिलाफ मुजम्मत को मजीद तवाना करेंगे और अवामी ताकत के साथ इन तमाम रियासती दरंगी के खात्मे तक इस खित्ते के साथ साथ दुनिया में बसने वाले इंसान दोस्त लोगों को मुतर्रिक करने में अपनी पूरी तवानाई को बराए कार लाकर इन दरंगी और मजालिम के खात्मे तक इस तहरीक को जारी रखेंगे। हम समझते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब इस खित्ते के मजलूम अवाम किसी भी गैर इंसानी अमल के खिलाफ यकजा होकर इस जालिम रियासत से हर जुल्म का हिसाब लेंगे। बलोचिस्तान में लाखों लोग इस तहरीक की हिमायत में सड़कों पर निकल चुके हैं और रियासी अदारों की जानिब से बलोचिस्तान की पूरी आबादी को दहशतगर्द करार देकर रियासी अदारों ने पूरी बलोच कौम को वाजिया पैगाम दिया है कि इन्हें सिर्फ बलोचिस्तान के वसाइल और जमीन से गर्ज है और इस जमीन पर बसने वाले लोगों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन हम यहाँ वाजिया कर दें कि हमारे लिए हमारी जमीन पर एक चींटी भी अजीज है और एक इंसान और बलोच की जान की कदर तो बहुत बड़ी बात है और इनकी जान और माल की हिफाजत इस पर हर जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ये हमारा ईमान बन चुका है जिसको कोई भी कुव्वत कमजोर नहीं कर सकती है। जबकि आप लोगों ने ये भी देखा कि रियासत ने न सिर्फ पुरतशद्दुद इकदाम के जरिए मजलूमों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती आ रही है बल्कि मीडिया और अपने
अपने साथी नुमा एजेंटों के जरिए प्रोपेगेंडा करके किस तरह झूठा बयानियां बनाती है और किस तरह अपने मजालिम को छुपाने के लिए झूठा बयानियां बनाने की जंग लड़ रही है, जो मजलूम लोगों के हकीकी मसाले से रूगरदानी और इनको संजीदगी से हल करने के बजाय अपने झूठे बयानियों से छुपाने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन मजलूम लोग अपने हकीकी मसलों से बखूबी वाकिफ है और वो अपने खित्ते में इस जंगल के कानून के खत्म करने के लिए मुतारिक हो चुके हैं। हमारी इस तहरीक का मकसद ही यही था कि हम यहाँ के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को इस रियासत और इसके अदारों के मजलूम अकवाम और खासकर बलोच कौम पर पुरतशद्दुद और तासुबाना रवैये को दिखाए, जो हमारी इस पुरअमन तहरीक ने वाजिया करके दुनिया को दिखा दिया है। अगर हम भी दुनिया के इंसान दोस्त लोग और अदारे, खासकर यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन इन रियासती मजालिम को नजरअंदाज करेंगे तो ये इंसान दोस्ती और इंसानियत की सबसे बड़ी शिकस्त होगी। रियासत और इसके अदारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहाँ पर कई मुल्कों के एम्बेसडर्स इंसानी हकूक के अदारों के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस की मौजूदगी में इस तहरीक से जुड़े लोगों पर तशद्दुद, प्रोफाइलिंग करना और हरासा करना शामिल है, जहाँ ये अदारे इस हद तक गिर गए कि हमारे पुरअमन तहरीक को खत्म करने के लिए बराए नाम झूठे सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी करके इस्लामाबाद में आम लोगों के साथ साथ गैर मुल्की लोगों के बीच बैठ कर और इनके ऐसे आलात इनसिक्योरिटी के आलात पैदा किए गए ताकि हमें मजीद हरासा किया जाए और हमारी इस तहरीक को तशद्दुद से खत्म करके जस्टिफाई किया जाए। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये सिक्योरिटी अदारे किस कदर आम बलोच आबादी पर जुल्म डा रहे हैं और ये लोग बलोचिस्तान की हकीकी हालत को गुज़श्ता 75 सालों से किस तरह दुनिया के सामने लाने से दबा रहे हैं, जबकि हम इस अहम नुक्ते को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी दुनिया के सामने वाजिया करना चाहते हैं कि जिस तरह रियासत इस तहरीक के आगाज से बलोच समाज में मजहबी, कबायली, इलाकाई और जिंस की बुनियाद पर मुख्तलिफ तरीकों से प्रोपेगेंडा करता आ रहा है, लेकिन हम इस चीज को आज वाजिया करना चाहते हैं कि बलोच कौम की दरमियान मजहबी, कबायली, इलाकाई, जुबान और जेंडर जैसे कोई भी फर्क मौजूद नहीं है। बलोच एक मुनज़्ज़म और मुतहद कौम है और रियासत के तमाम रिवायती प्रोपेगेंडे दम तोड़ चुके हैं। काबिल एहतराम सहाफी हजरात, जिस तरह ये तहरीक 20 दिसंबर की यख बस्ता शाम इस्लामाबाद में दाखिल होती है और हमारे पुरअमन काफिले को इस्तकबाल लाठी, वाटर कैनन और गिरफ्तारियों से की जाती है, इसके बाद गुज़श्ता एक महीने से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जारी धरने में हमने एक रात भी ऐसा नहीं गुजारा है जिसमें हमें इस्लामाबाद पुलिस और खुफिया अदारों की जानिब से धमकियां, अरासगी और पुरतशद्दुद इकदामात का सामना न करना पड़े। इस्लामाबाद पुलिस और खुफिया अदारों के एहलकारों के पुरतशद्दुद इकदामात के ऐनी शाहिदीन इस्लामाबाद के मुअज़्ज़ज़ अवाम, सहाफ़ी हज़रात और इंसानी हकूक के रहनुमा हैं, जिनकी मौजूदगी में इस पूरे धरने की दौरानी में रियासती सिक्योरिटी फोर्सेज कभी भी पुरअमन नहीं रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल गुज़श्ता रोज होने वाला हमारा मजलूम अकवाम का बैनुल अकवामी कॉन्फ्रेंस था, जिसको रोकने और नाकाम बनाने के लिए कर्फ्यू जैसा समय लगाया गया, चारों तरफ रास्ते बंद कर दिए गए, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और शुरका को आने से रोका गया और हमारे उस्ताद और वकला को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जिसकी वीडियो के सबूत आप सबके सामने मौजूद है। जबकि इस रियासत की जानिब से हम बलोचों ने इस्लामाबाद में इन रवैयों का भी सामना किया है, जिसमें हमारे बूढ़ी औरतों पर वाटर कैनन और लाठियां इस्तेमाल किए गए और हमारे नौजवानों को जेल और थानों में ले गए और यहां तक कि उन्होंने हमारे कैंप में कंबल और खाने तक आने नहीं दिया, जबकि इस्लामाबाद पुलिस और खुफिया अदारे मुसलसल हमारे नौजवान साथियों को हरासा करने के साथ साथ प्रोफाइलिंग भी करते रहे हैं, जिसमें इन्हें बराह रास्त धमकियां भी दी गई है। इसमें इस तरह के जुमले बार बार इस्तेमाल किए गए हैं कि हम तुम्हें बाद में देख लेंगे, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने इस पूरे दौरानिए में इस चीज का भी ख्याल नहीं रखा कि इस धरने में हमारे साथ अक्सरियत खवातीन और बच्चे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने इस छोटी सी जगह को हमारे लिए कैदखाना बना के रखा हुआ है, जहाँ गुज़श्ता एक महीने से उन्होंने बलोचिस्तान की पुरअमन आवाज को दबाने के लिए बलोच माओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ कैदियों और गुलामों से बदतर सलूक किया है। और जो नफरत हमने रियासत के सिक्योरिटी अदारों की आंखों में बलोचों के लिए देखा, यहाँ इस धरने में मौजूद हमारे मासूम बच्चे, बुजुर्ग और औरतें इस नफरत को कभी नहीं भूल पाएंगी। मौजूद साफी हजरात, हम इस अवामी तहरीक के शुरू दिन से रियासत से कह रहे हैं कि ये तहरीक बलोचिस्तान में जारी बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ
एक पुरअमन अवामी तहरीक है। इस तहरीक की कुव्वत अवाम है और जिस तहरीक के पास अवामी कुव्वत और हिमायत हो इस तहरीक को ताकत और तशद्दुद से किसी सूरत खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तहरीक ने, इस रियासत ने जिस तरह गुज़श्ता 75 सालों से एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत देने के बजाय हमेशा इनफरादी जिद, अना और बचगाना जैसे रवैये और सोच को अदालती शक्ल देकर मजलूम लोगों को तशद्दुद की तरफ धकेल दिया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े अल्फाज में इस तहरीक के सिंपथाइजर्स जिसमें जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स को मुसल्ला तंजीम के कैंप में शामिल होने का वाज़े पैगाम दिया था। ये इसका वाज़े सबूत है। क्या ये रियासत की संजीदगी है? क्या इस मुल्क में हकीकी मसलों का हल सिर्फ तशद्दुद से ही मुमकिन है, जिसकी तलकीन वज़ीर आज़म ने की है? क्या हमारे पुरअमन तहरीक को रियासत तशद्दुद करके इस तरफ नहीं धकेल रही है? क्या ये रियासत और इसके अदारे पूरी बलोच आबादी को पुरतशद्दुद होने पर उकसा नहीं रहे हैं? क्या ये गैर संजीदगी और गैर इंसानी अमल नहीं है? क्या सिक्योरिटी अदारों के साथ तमाम रियासती अदारे यहाँ के बराए नाम सिक्योरिटी पार्टियाँ बराए रास्त बलोच नस्लकुशी में मुलविस नहीं है? क्या ये सब आग में तेल डालने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम ये दुनिया के सामने वाजिया करना चाहते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी इन पुरतशद्दुद रवैयों और उकसाने से अपने रास्ते का तायुन नहीं करती, बल्कि शऊरी तौर पर शुरू दिन से हम पुरअमन रहे हैं और अपनी मंजिल तक पुरअमन रहकर मजम्मत करते रहेंगे। बीवाईसी को जिस तरह रियासती अदारों की तरफ से तशद्दुद की तरफ ले जाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, हम आलमी इंसानी हकूक के अदारों से दरख्वास्त करते हैं कि वो रियासती अदारों के इस अमल के खिलाफ नोटिस लें। मौजूद साफी हजरात, इस रियासत को ये मामूली बात समझ नहीं आ रही है कि अगर इस तहरीक की हिमायत में 10 जैसे दूर अफ़ज़ादा गांव में औरतों बच्चों समेत हजारों लोग निकल सकते हैं, तो आपकी जिम्मेदार रियासत को सबूत देकर ये तस्लीम करना चाहिए था कि ये एक अवामी तहरीक है और इस तहरीक के पीछे पूरी बलोच कौम खड़ी है जो गुज़श्ता 75 सालों से आपकी जुल्म और जबर को बर्दाश्त करते आ रहे हैं और अब वो आपसे बेजार हो चुके हैं। इसलिए वो लियारी से लेकर तोंसा शरीफ तक और दारबंदी से लेकर जाऊ तक लाखों की सूरत में सड़कों पर निकल रहे हैं। हम समझते हैं अगर ये रियासत एक जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा करते और इस बात को तस्लीम करते तो शायद वो अमल इस रियासत के हक में जाता, लेकिन रियासत ने पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार करके अपने लिए बलोच अवाम में नफरत और बेजारी के एक और बाब का इजाफा किया है। मेरे ख्याल से कि एक मैट्रिक के तालिब इलम को इस बात का बखूबी इलम होता है कि अवामी तहरीकों को तशद्दुद और ताकत से रोकने का ये मुराद होता है कि आप इस तहरीक की ताकत में इजाफा और अपने लिए मजीद नफरत पैदा कर रहे हैं। लेकिन जिस बात का इदराक मैट्रिक के स्टूडेंट्स को होता है, अफसोस इस रियासत और इसके अदारों को इस बात का इदराक नहीं है। इस रियासत ने इस तहरीक को रोकने के लिए हर इलाके में मुजाहरीन पर FIR दर्ज किए, मार्च को रोकने के लिए भरपूर तशद्दुद का इस्तेमाल किया, इस्लामाबाद समेत मुतहद इलाकों में मुजाहरीन को गिरफ्तार करना, जबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद के लवाकिन के घरों में छापा मारना, इस्लामाबाद समेत हर इलाके में होने वाले मुजाहरीन की प्रोफाइलिंग करना, धमकियां देना, हरासा करना और बलूचिस्तान से बदनाम जमाना डेथ स्क्वाड के लोगों को इकट्ठा करके हमारे मध्य मुकाबल इनके कैंप लगाने समेत हर किस्म के अरबे इस्तेमाल किए। लेकिन क्या इससे ये तहरीक खत्म हुई? बल्कि हम समझते हैं कि रियासत के इन मजालिम और जबर ने इस तहरीक को और मजीद तवानाइयां फराहम की है, क्योंकि हम सच और हक पर है और ये रियासती अदारे झूठ और प्रोपेगेंडे पर कायम रहने की नाकाम कोशिश कर रही है। हमारी ताकत सच्चाई है और तुम्हारा झूठ के साथ के सारे रियासत को चला रहे हो। रियासत के इस जुल्म ने हमारे माओं, बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा हौसला फराहम किया है और सबसे अहम बात यह है कि जिसका इस रियासत को कतन भी अंदाजा नहीं है कि हम इस्लामाबाद में बलोच अवाम पर होने वाले मजालिम ने बलूचिस्तान भर में बलोच अवाम के दिलों में नफरत और बेजारी के एक और बाब को इजाफा किया है। मौजूद साथी हजरात, हम समझते हैं कि इस पूरे पुरअमन धरने के दौरान जिस तरह रियासत की फोर्सेज और खुफिया अदारों ने पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किया और इस पुरअमन तहरीक को खत्म करने की कोशिश की, इसकी तो हमें पहले ही से ही तवक्का थी, बल्कि हमें इससे भी ज्यादा तवक्का थी कि क्योंकि हम इन खतरनाक मजालिम का सामना गुज़श्ता 75 सालों से बलूचिस्तान में करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे अफसोसनाक अमर यह है कि हमने इस मुश्किल वक्त में रियासत के तमाम सितूरों को एक पेज पर पाया जिसमें अदलिया से लेकर मीडिया शामिल थी। रियासत के सिक्योरिटी अदारे एक जानब हमें तशद्दुद का निशाना बना रहे थे तो दूसरी जानब
रियासत की अदलिया मुजरमाना खामोशी इख्तियार की हुई थी। मीडिया रियासत के मुजालिम को छुपाने के लिए हमारे खिलाफ मुहिम चलाने में मसरूफ थी। नाम नया विफाकी पार्टियों के लोग हमें गालियां और धमकियां दे रहे थे और खुद साख्ता दानिश्वर हमारे लिए नफरत का बराह रास्त इजहार कर रहे थे। हम यहाँ इस धरने में इन तमाम नफरत अंगेज मनाजिर के को अपनी यादाश्त में महफूज कर रहे थे कि किस तरह ये लोग बलोचों के मासूम बच्चों और बूढ़ी औरतों पर से भी नफरत करने के साथ साथ वो इस रवैये और नफरत को आम पाकिस्तानी लोगों के जहन में इंजेक्ट करके हमारे खिलाफ बरकाने के लिए अपनी पूरी तवानाई खर्च कर रहे हैं। हम बतौर इंसानी हकूक के कारकों इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और आर्मी इंसानी हकूक के अदारों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस पर तहकीकात करके इस खत्ते में इस जुनूनियत को खत्म करने में मौसर इकदाम करे और जिम्मेदार रियासती अदारों को इस जुनूनियत और नफरत फैलाने पर जवाबदार ठहराए। हम किस कदर सादा लोग थे ये समझते रहे कि इस्लामाबाद में कम से कम ये लोग आकर हमें सुनेंगे, हमारे लोगों को सुनेंगे, लेकिन दारुल हुकूमत 75 सालों से बलोच लोगों को दुश्मन समझकर हमारे साथ गैर इंसानी अमल तेज कर दिए है और ये आगे भी हमारी इस पर अमन तहरीक को तशद्दुद और ताकत के जरिए खत्म करने की नीयत रखते हैं, जिसके लिए हम आलमी इंसानी हकूक के साथ साथ मौजूद दुनिया के लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस संगीन मसले की जानिब पूरी तवज्जो दे। मौजूद साफी एजाज हम तुर्बत से यहाँ तक इसलिए आए थे कि इंसाफ का बोल बाला करने में मदद करे, लेकिन आज इस रियासत के साथ साथ इसकी मीडिया अदलिया नाम नया दानिश्वर और विफाकी पार्टियों को जरा बराबर भी अंदाजा नहीं है कि हम यहाँ इस्लामाबाद से बलूचिस्तान क्या लेकर जाएंगे। ये माए और बच्चे इस्लामाबाद से सिर्फ और सिर्फ नफरत लेकर वापस बलूचिस्तान जाएंगे, जिसका बीज इस्लामाबाद 75 सालों से बो रहा है और यहाँ पर इसको इस्लामाबाद ने अपनी पुरतशद्दुद और दुश्मन जैसे सलूक ने मजीद आश्कार कर दिया है और वो आपके रवैये, आपकी गालियाँ, आपके तशद्दुद और इस दर्द और तकलीफ भरी कहानी को बलूचिस्तान के घर घर को सुनाएंगे और आपकी ये जबर की दास्तान हम लोरियों की सूरत में अपनी आने वाली नस्लों को सुनाएंगे, जबकि हम समझते हैं कि रियासी खुफिया अदारों और फौज के चमचा गिरी में नाम नयाद साफी दानिश्वर और विफाक परस्त पार्टियों के लोग बलोच दुश्मनी में इस हद तक गिर गए हैं और हमें यकीन है कि शर्मिंदगी और नदामत इस्लामाबाद और इसके अदारों के नसीब में लिखी जा चुकी है और इनके आने वाली नस्लें अपने आबा और अजदाद की इन अरकात पर शर्मिंदा हो जाएंगी। विफाक परस्त पार्टियों ने न सिर्फ अपने लोगों को हमारी इस तहरीक के खिलाफ मुतहरिक करके हमारे खिलाफ मुहिम चलाई, बल्कि उन्होंने बलूचिस्तान से कातिल, चोर, मंशियात फरोश और डेथ स्क्वाड्स के लोगों को आने वाले इलेक्शन के लिए भी भर्ती करने के लिए अपने बलोच दुश्मन पॉलिसियों का वाजिया इजहार भी किया है। इसके साथ साथ दानिश्वरों और साथियों ने अपने कलम को चंद मराद के खातिर सौदा करके अपने कलम को बलोच कौम की दुश्मनी में भरपूर इस्तेमाल किया है और कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने पुलिस को इस धरने के खिलाफ नोटिस भेज कर पूरी कर दी, जो पूरी सहाफत की तारीख में एक दाग है। ये सब कुछ याद रखा जाएगा। काबिल एहतराम साफी हजरात, हम समझते हैं कि बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक को इस्लामाबाद आना और इस्लामाबाद में धरना देना इस रियासत के लिए एक बेहतरीन मौका था कि वो बलूचिस्तान में जारी सियासी तनाजे को हल करने के लिए तशद्दुद और ताकत का इस्तेमाल तर्क करके बातचीत का आगाज करे, लेकिन रियासत ने इस पुरअमन तहरीक पर ताकत और तशद्दुद का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के सामने ये साबित किया है कि रियासत का रवैया बलोच कौम और बलूचिस्तान के हवाले से किस कदर पुरतशद्दुद है और इस पुरअमन तहरीक पर ताकत और तशद्दुद के इस्तेमाल के बाद ये रियासत अमली तौर पर ये साबित कर चुका है कि वो बलूचिस्तान के मसले पर किस कदर गैर संजीदा है, जबकि रियासत अदलिया मीडिया विफाक परस्त पार्टियां और नाम नयाद साथियों और दानिश्वरों के बलोच दुश्मन रवैये और बलोच कौम के लिए नफरत देखकर हम अपने इस्लामाबाद धरने और अपनी तहरीक के चौथे फेज के खात्मे का ऐलान करते हैं और इसके साथ हम अपने तहरीक के पांचवें फेज के आगाज का ऐलान करते हैं, जिसमें बलोच नस्ल कुशी के खात्मे के लिए इंसान दोस्त और मस्जिद लोग खासकर बलोच अवाम को मजीद मुतारिक करेंगे और दुनिया के मस्जिद लोगों के सामने मजलूम अवाम पर रियासती तशद्दुद को आश्कार करते रहेंगे। हम ये रियासती गैर इंसानी पॉलिसियों और रवैयों के अवामी अदालत में रखेंगे। अवामी ताकत को इस जाबिर रियासत और इसके अदारों को इंसाफ के कटरे में लाने के लिए मुतारिक करेंगे और मजलूम अवामी ताकत से इस जालिम और जाबिर अदारों को इंसानियत की कदर करना सिखाएंगे और इनको इंसान बनाकर
कर ही दम लेंगे और हमारी ये तहरीक मुख्तलिफ फेजेस से गुजर कर बलोच नस्ल कुशी के खात्मे तक जारी रहेगी। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया कैंपेन के साथ साथ मुख्तलिफ जराए बरोकार लाकर बलोच नस्ल कुशी के कैंपेन को वसत देंगे। जबकि हमारे इस्लामाबाद धरने के दौरान हमारे अक़वामे मुत्तहिदा के नुमाइंदगान समेत जितने भी इंसानी हकूक की तंजीमों के साथ रवाबित हुए हैं, हम इन सबको तहरीरी और जुबानी दोनों सूरतों में हमारे तहरीक के खिलाफ रियासत की जितने भी पुरतशद्दुद इकदाम की बाकायदगी से आगाही करते रहेंगे और इस खत्ते में खासकर बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियों से मुतालिक आगाही देते रहेंगे, जिसके लिए आलमी इंसानी हकूक के अदारों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस तहरीक से जुड़े रहने के लिए के साथ अपनी पूरी सपोर्ट देंगे और एक मुस्तकिल जुड़े रहने की राह हमवार करेंगे, ताकि हम मिलकर इंसानी जानों का जया होने से बचाने के साथ साथ जिबरी गुमशुदगी जैसे इंतहाई संगीन और गैर इंसानी अमल को जल्द से जल्द रोकथाम के लिए मौसर अमली किरदार अदा कर सके और मिलकर इंसानियत का बोल बाला कर सके। इसके अलावा हम अपनी तहरीक के अगले फेज में इस बात पर भी सबसे ज्यादा तवज्जो रखेंगे कि हम बैनुल अक़वामी दुनिया को बलूचिस्तान के इंसानी हकूक की सूरतयाल और बलोच नस्ल कुशी के हवाले से मुसलसल आगाह करते रहे और हम अपनी तहरीक के अगले फेज इस रीजन के तमाम महकूम और मजलूम आवाम को मुतारिक करके अपने साथ रवाबित और इत्तेहाद को बढ़ाने के इकदाम करेंगे और हर जाबिर के खिलाफ मुश्तरका तौर पर जदोजहद करेंगे। इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए 27 जनवरी को क्वेटा में एक जलसे का इनेकाद करेंगे जिसमें तमाम मकतबा फिक्र के लोगों को शिरकत की इल्तिजा करते हैं, जबकि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुल से इन तमाम लोगों को एक वाजिया पैगाम देना चाहते हैं। जिस तरह आप लोगों ने मजलूम बलोच अवाम के लिए अपने भरपूर नफरत का इजहार करके अपने किरदार और हकीकत को वाजिया किया, हम समझते हैं कि ये चीज हमारे लिए एक नेक शगुन है कि कम अज कम हम और हमारी कौम आपकी इस हकीकत से अब मुकम्मल तौर पर आशना हो चुकी है कि आपने जुल्म और जबर के साथ खड़े होकर अपने मजलूम और बलोच दुश्मनी का वाजिया इजहार किया है। इसके साथ हम रियासत को ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारे तमाम अरबे साजिश और पुरतशद्दुद इकदाम ने हमारे हौसले और हिम्मत को मजीद मुनज़्ज़िम किया है और हमारी तहरीक को तरक्की देने का बायस बना है और अब तहरीक इस्लामाबाद से बहुत कुछ समेट कर वापस बलूचिस्तान जा रहा है और हम इस्लामाबाद के जुल्म की एक एक दास्तान को बलूचिस्तान के घर घर तक पहुँचाएंगे और अवामी ताकत और कुव्वत से बलूचिस्तान से आपकी जुल्म और जबर और इंतहाई गैर इंसानी इकदाम के खिलाफ हमेशा डट कर खड़े रहेंगे। हम समझते हैं कि इस हालत में तहरीक की इस्लामाबाद से वापस बलूचिस्तान जाना इस तहरीक को नई कुव्वत और ताकत फराहम करेगी। आखिर में मैं इन सब किरदारों का शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारी तहरीक इन तमाम किरदारों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस पूरी तहरीक में हमें सपोर्ट किया, खासकर इस खत्ते के मजलूमों से कि वो हमारे साथ मुस्तकिल जुड़ने की राह हमवार करने में भी अपना किरदार अदा करे। वो चंद अच्छे इंसान जिनमें सहाफी, वकला, असातिज़ा, तुलबा, सियासी और इंसानी हकूक के कारकुन और शहरी शामिल है, इन सब के हम तहे दिल से मशकूर है। आप लोग तादाद में चंद थे लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, हमदर्दी और जज्बे ने लाखों के बराबर हमें हौसला अता किया है। हम आपके एहतराम, मोहब्बत और हमदर्दी को कभी भी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने ऐलान किया है और कल हम बाकायदा बलूचिस्तान की जानिब रवाना होंगे। देखिए, हम अभी भी रास्ते में हैं और हमने मुसलसल तौर पर इनको थ्रू रिपोर्ट्स ये भेजा है और उन्होंने भी हमें ये यकीन दहानी कराई है कि वो इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इसकी फॉलोअप मीटिंग्स भी हो सकता है कि हम आने वाले महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम फॉलोअप मीटिंग्स भी करेंगे जिनमें यूएन के एचआरडी डिपार्टमेंट्स के जो सरबराहान है वो हमारे साथ भी कॉन्टेक्ट में है कि जिस तरह इस पूरी तहरीक में जो पुरअमन सियासी वर्करान थे या पुरअमन जो लोग मौजूद थे, प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, जिस तरह उनको हरासा किया जा रहा है उनकी रिपोर्टिंग भी वो मुसलसल तौर पर खुद भी कर रहे हैं और हमें भी ये कहा गया है और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसानी हकूक के अदारे जब एक रियासत और उसकी पूरी मशीनरी एक पुरअमन तहरीक को कुचलने पर तुली हुई है तो वो
बाकायदगी तौर पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस तहरीक की आवाज बने और इस तहरीक में को जो क्रैकडाउन का सामना है रियासत की जानिब से उसको रोकने में हमारा साथ दें। देखिए हम मुसलसल तौर पर कह रहे हैं कि हम एक पुरामन सियासी तहरीक लीड करें और हम आज भी कहते हैं कि हमारे मुतालबात रियासत और उसके अदारों से फिर से हम अपील करते हैं कि हमारे मुतालबात आइनी हैं, जायज़ हैं, आप उनको एक्सेप्ट करें। और इतने दिनों के दौरान हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जब सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम गए वो भी नहीं माना गया, उसके बाद भी हमें हरासा किया जा रहा है, उसके बाद भी हमारी प्रोफाइलिंग की जा रही है। इतना बड़ा इशू है, इतनी बड़ी तहरीक उठी है, पूरा बलोचिस्तान सरापा एहतजाज है, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सू मोटो नोटिस लेना चाहिए था। अगर वो सू मोटो नोटिस लेकर एंड इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का कहते और ये पैगाम देते या ये फैसला लेते कि जितने लोग जो है ना जबरी तौर पर गुमशुदा हुए हैं उन सबको अदालतों में पेश किया जाए, या बालाज का वो केस जो आज भी पेंडिंग में पड़ा है जो शट एंड डाउन केस होना चाहिए था क्योंकि उसको दौरान हिरासत मारा गया, उसका अभी तक फैसला क्यों नहीं हुआ है? और वो अदारे वो डेथ स्क्वाड जो हमारी नस्ल कुशी में डायरेक्ट मुलविस है वो अभी तक दिन दहाड़े फिर क्यों रहे हैं और वो अभी तक हमारे सामने बैठे? इस पर अदालत को नोटिस लेना चाहिए था और हम फिर भी इसी उसके साथ उम्मीद के साथ हम बार बार इन्हीं अदारों से ही रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि वो अपना किरदार अदा करें और इतनी बड़ी जो नस्ल कुशी हो रही है उसको रोकने में अपना किरदार अदा करें। देखिए इसकी बुनियादी वजह यह है कि नफरतों के बीच बोए गए हैं, एक तासुबाना रवैया इख्तियार किया गया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आज जब कोई बलोच तलबा रेड जोन से शायद रेड जोन से होते हुए यहाँ आ रहा था तो उसको सिर्फ इसलिए हिच किया गया कि आप बलोच है, आप यहाँ से नहीं गुजर सकते। ये वो रवैया है जो हम बताना चाहते थे, जिसके तहत हमारी शिनाख्त कोई मसख करके हमारी शिनाख्त कोई एक एज अ जुर्म साबित करके लाया गया है, जिसके तहत एज अ बलोच आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। हम भी इसी रवैये के खिलाफ निकले, हम भी हम फलस्तीन के मजलूमों के साथ भी हैं, हम कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं उनकी तहरीक के साथ भी हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर खासकर पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक के अदारे हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो सियासतदान है, जो पार्टियां हैं, वो बलोच नस्ल कुशी पर भी लफकुशाई करें। वो कब तक खामोशी इख्तियार करेंगे? और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है, जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस है, उन पर भी बात होनी चाहिए। देखिए एंगेजमेंट ये एक प्योर तौर पर अवामी तहरीक है, हमने शुरू दिन से कहा है कि हम यहाँ पे बिल्कुल किसी सियासी एजेंडे के साथ नहीं आए हैं। जो भी तंजीमें हैं, जो भी पार्टियां हैं, अब उनका फर्ज बनता है कि वो अवामी मैंडेट, जो अवाम का मेन मसला है, जो लाखों लोग निकले हैं सड़कों पर, उनको इस चीज को खुद कंसिडर करवाना चाहिए। और हमने शुरू दिन से ही न सिर्फ बलोचिस्तान में, जब से हम वहां से निकले हैं हमने बलोचिस्तान समेत पाकिस्तान की भी हर अवाम से, हर पार्टी से यही गुजारिश की है कि इस तहरीक की आवाज बने और इस तहरीक को आगे लेकर जाए। लेकिन हम देख रहे हैं, मुझे एक अफसोस भी हो रहा है कि इतना बड़ा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है लेकिन किसी सियासी पार्टी की जानिब से, किसी विफाकी पार्टी की जानिब से इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस पर बात ही नहीं की जा रही है, ना ही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पे बात की जा रही है। और बलूचिस्तान भर में जो एक पुरामन तहरीक को क्रश करने के लिए हजारों की तादाद पे लोगों पर FIRs दर्ज किए गए हैं, लोगों को हरासा किया जा रहा है, वीडियोज मौजूद है, या इवन दो जो ये सियासी पार्टियां जो 21 दिसंबर में हुआ औरतों और बच्चों को मारा गया, डिपोर्ट करने के इतने सारे शवाहद मौजूद थे, क्यों किसी ने इस पर एक्शन नहीं लिया? डॉक्टर साहब एक सवाल ये लीजिएगा कि आप वहां से चली, जैसे कि आपने बताया भी है कि पूरा मन तहरीक रही, खवातीन भी इसमें हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल है, और आप यहाँ पर भी बैठे रहे, पूरा अमन तरीके से बैठे रहे, यहाँ तक बिल्कुल बात ठीक है लगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे नारे भी लगे जो बतौर पाकिस्तानी नहीं लगने चाहिए थे, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए हम यहाँ पे हमारी तहरीक में सबसे बड़ा नारा तो शायद यही होगा कि तमाम लापता अफराद को रिहा करो, और वो अदारे जिसमें अगर आप कह सकते हैं CTD हो, वो हमारे इसमें भी मौजूद है, CTD खुद CTD के ऊपर मुतहद FIRs हो चुके हैं, उसको अकाउंटेबल करना चाहिए। उस पर HRCP ने भी बहुत सी रिपोर्ट्स पेश की गई कि CTD फोर्सली डिसअपीयर्स जो लोग हैं उनको एक्स्ट्रा जुडिशली किल कर रही है, उस पर मुतहद FIRs है, आप जाके रिसर्च करें, बलूचिस्तान हाईकोर्ट में उस पर FIRs लगाए गए हैं, सेशन कोर्ट में उस पर FIRs लगाए गए हैं,
और जो बलोच स्टूडेंट्स की जो जिबरी गुमशुदगी थी, जिसका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस पर कमेटी भी बनाई गई, और उसने बाकायदा उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि बलोच तलबा की जिबरी गुमशुदगी में CTD नामी अदारा मुलविस है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे जितनी तहरीक है उसमें जितने नारे लगे हैं, मैं नहीं जानती आप किस नारे की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक इंसानी मसले को लेकर हम यहाँ आए हैं, और कुछ नारे शायद हम नहीं समझते यहाँ कोई ऐसा नारा लगा है जो रियासत के खिलाफ है। हम स्टेट के से ही मुतालबा करने आए थे, स्टेट हमारे खिलाफ है, हम स्टेट के खिलाफ नहीं है। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि हम स्टेट के खिलाफ नहीं है, हम स्टेट के उन बलोच नस्ल कुशी के पॉलिसी के खिलाफ है। अगर आप जी सवाल आपसे ये है कि अभी आपने फरमाया कि आप जो है तो जो फेज 5 है उसके कैंपेन का आगाज आप प्रॉपरली बलोचिस्तान से करेंगे, लेकिन फेज 5 में ऐसा आप क्या नया करेंगे, क्योंकि 60 दिन तो आप इस्लामाबाद में होंगे और सारे ही ना उम्मीद मायूस होकर लौट रहे हैं, तो बलोचिस्तान में फेज 5 का क्या आगाज है और इस कैंपेन से ये जो आप मिसिंग पर्सन को जो डिमांड करी है उस कैंपेन को मतलब कितना शिद्दत मिलेगी बलोचिस्तान से, क्योंकि आपने कहा कि फेज 4 वाइंड अप हो रहा है आज और फेज 5 का आगाज बलोचिस्तान से किया जा रहा है। देखिए एज अ सियासी वर्कर हम हमेशा पुरअमन रहते हैं, और एज अ सियासी वर्कर हमें पता है कि सियासत जो है ना एक लंबा प्रोसेस है, इसमें मुसलसल तौर पर आपने आवाम को मोबिलाइज करना है, उनको इंगेज करना है। सबसे बड़ा जो वो है मिसिंग पर्सन्स की तहरीक को जस्टिफाई करने के लिए जो डेटा है उसको मसख किया जाता है, लोगों को और खानदानों को डराया जाता है। हमारा जो फेज 5 होगा, बलूचिस्तान पूरा जो है ना जबर का शिकार है, लेकिन आज तक कोई उनके पास गया ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो बलूचिस्तान में किन जंगी जराइम में मुलव्वस है। हम उनको ताकत देंगे, ये हमारी तहरीक तमाम लापता अफराद के साथ रियासती हर जबर के खिलाफ होगी। हम अपने लोगों को हौसला देंगे, अपनी इस तहरीक को और मुनज्जम करेंगे, और बलूचिस्तान भर में जो लोग हमारे लिए निकले थे हम उनका हौसला बनेंगे और इस तहरीक को और स्ट्रेंथन करेंगे। जितनी फैमिलीज यहाँ आई है उससे हजारों फैमिलीज बलूचिस्तान में है जिनको अभी भी डराया जा रहा है, हम उनके घर जाएंगे, एक एक घर जाएंगे, अपने इंदराज का अमल भी और ज्यादा करेंगे। जी मैडम, ईरान और पाकिस्तान के हवाले से जो आपने गुफ्तगू की है उस पर बहुत तनकीद की, आपने काफी दुनिया को एंगेज कर दिया, आपकी बन गई है एंटिटी बन गई है आपके यहाँ पर, आप बलूचिस्तान और इस वक्त रोजगार तालीम पानी सारे बुनियादी हकूक के बगैर रह रहे हैं, वो सूबे में ज्यादातर लोग इसके खिलाफ रह रहे हैं, आप गुमशुदगियों के अलावा इस तरह के बुनियादी हकूक का भी मुताबा कर सकते हैं, इसको एक सियासी तहरीक में? जी बिल्कुल, हमारी तहरीक बलोच यकजहती कमेटी गुज़श्ता 4 सालों से इसी चीज पर भी काम करती आई है। हमने रोजगार के ऊपर भी बात की है, हमने जो बलूचिस्तान में हर तरह का जो जबर है उसके खिलाफ भी हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल, जिसमें आप देखें कि आम लोगों को रोजगार के फराम नहीं किए गए हैं, आम लोग जिनको तालीम की सहूलियात फराम नहीं की गई है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट्स हो रही है, उन सब पर हम उनकी आवाज बनेंगे। जो एक जेन्युइन एक तहरीक होती है जो आम लोगों की हमारी आवाम की जो डिमांड है, हम उस आवाज को तवाना करके पूरी दुनिया को बताएंगे कि बलूचिस्तान में क्या क्या हो रहा है और बलोच आवाम किस तरह जिंदगी के एक कॉमन सेंस है कि राइट टू लिव इज द बिगेस्ट लाइफ, लेकिन और भी ऐसे राइट्स हैं जो विवाह पे मसख किए गए हैं जिनका किसी को अंदाजा नहीं है कि वहां क्या क्या हो रहा है। लोग अगर आप अंदाजा लगाएं, इन ये जो खानदान मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं इनके हाथ में जो तस्वीरें हैं ना उसके अलावा उनके पहनावे को देखें, उन्होंने उधार ले लेकर वो यहां तक पहुंचे हैं, उनसे उनके इलाके के बारे में पूछे उनका रोजगार क्या है, यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना रोजगार छोड़ कर आए और वो बोल रहे हैं हम डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनकी जमीनें बर्बाद हो गई। राइट टू लिव इज द बिगेस्ट लाइफ, लेकिन और भी राइट्स हैं जो वहां पे नहीं मिल रहे लोगों को, हम उनको भी ये मुकम्मल तौर पर एक ऐसी अवामी तहरीक होगी जो अवाम की मसाइल को पुरअमन तरीके से लेकर आएगी, वो मसाइल जो कभी रियासत से जुड़े हुए जो पार्टियां हैं वो कभी नहीं लाते हैं, और जो बलूचिस्तान में होने वाले जितने मजालिम है, जितनी इस्तेसाल हो रहा है, जितनी महरूमियां है, वो कभी आती ही नहीं है, हम उनको भी सामने लेकर आएंगे और रियासत और उसके अदारों को बार बार ये यकीन दहानी कराएंगे कि बलूचिस्तान में रेकोडिक सिर्फ नहीं है, बलूचिस्तान में सीपैक सिर्फ नहीं है, बलूचिस्तान में लोग भी रहते हैं, वो लोग जो 75 सालों से आपकी जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, वो लोग जो 75 सालों से जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, उन लोगों से आए मिले उनसे पूछे कि वो अपनी जमीन में कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, इतनी चटरती सर्दी में जब आप लोग अपने एक कमरे में 4-4 हीटर लगाते हैं ना,
वहाँ बलूचिस्तान में लकड़ियाँ नहीं है, वो गैस जो यहाँ तक आती है ना वो गैस वहाँ नहीं है। 1956 से जहाँ से वो निकल रही है वहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पर भी नहीं है वो, वहाँ पर भी नहीं है वो। तो ये भी तो एक बड़ा मसला है ना। वो सैंधक जिसके सोने से आपकी, मैं बोलती हूँ हम एक पुरामन सियासी तहरीक है, लेकिन सैंधक के बच्चों को पढ़ने का भी तो हक है ना। सैंधक में एक अस्पताल भी तो होना चाहिए ना, सैंधक के बच्चे जो है ना वहाँ पढ़ सके ताकि वो तालीम हासिल कर सके, जो बुनियादी जरूरियात है इंसानों की, जो किसी भी इंसान की बुनियादी जरूरियात है वो तो उन्हें मिल सके ना। यहाँ पे जितने आए हुए लोग है वो हैरान है कि ये क्या, ये हमारा मुल्क है इस्लामाबाद, ये वो हैरान है कि यहाँ ऐसी चीजें हैं मौजूद है। इनमें से ऐसे लोग हैं जो मैं आप सबको, जो भी बलूचिस्तान पर जो एक टूरिज्म एग्जिस्ट करती है पूरे पाकिस्तान में, और शायद मैं और हम बलोच लोगों को शायद बलूचिस्तान में घूमने फिरने की आजादी नहीं है, कोई भी अगर सच जानना चाहता है ना, मैं आप सबको दावत देती हूँ अपने तौर पर एक मतलब वो बलूचिस्तान आए, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों को देखे, वहां रहने वाले लोगों को देखे कि कैसे पत्थर के जमाने में हमारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। जहां यहाँ पे लोड शेडिंग एक घंटे होती है तो यहाँ तहरीकें चलती है, वहां हमारे लोगों को एक घंटे की बिजली भी मुयसर नहीं है। एक्सट्रीम ऑफ वेदर दुनिया इस चीज से उबर चुकी है कि वेदर से कोई मरे, लेकिन हमारे लोग एक्सट्रीम ऑफ वेदर से मर रहे हैं, सर्दी से मरते हैं हम लोग, गर्मी से मरते हैं, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, कैंसर के नए वेराइटीज आ रहे हैं बलूचिस्तान में। इस पर किसी ने तहकीक की, इस पर किसी ने बात की, इस पर कोई हेडलाइन ब्रेक हुई कि बलूचिस्तान में क्या क्या हो रहा है, किसी ने नहीं की। कोलरा वो बीमारी है जिस पानी नहीं है पीने का, पानी जाए गवादर की आप इतनी बात करते हैं, वहाँ उसकी तहरीकों को देखिए, वो बुनियादी सहूलत पानी के लिए भी उन्होंने धरने दिए हैं कि हमें पीने का पानी दिया जाए, पीने का पानी हमें दो, हम बलूचिस्तान वाले मर रहे हैं पानी के लिए, प्यास से हमें पीने का पानी दो। तो ये वो चीज है जो कभी मीडिया में नहीं है, जिसको हमेशा निग्लेक्ट किया गया। और एक तासुबाना 75 सालों से रियासती मशीनरी ने सिर्फ और सिर्फ ये इसी चीज पर अपनी वो, अगर मैं यही कह रही हूँ कि अगर इस 60 दिनों के दौरान आपने अपनी पूरी तवानाई इस चीज पर खर्च कर दी कि मिसिंग पर्सन नहीं है, काश आप अपनी पूरी तवानाई में से 1% इस चीज पर खर्च करते कि आप इन लोगों को अपनी अदालतों में पेश करते ना, तो यहाँ से मैं कहती हूँ कि यहाँ से एक एक करके सबसे पहले मैं भी यहाँ से। ये बताइएगा मतलब जिस तरह आपने गुर्बत के बात की, वाकई गरीबी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब कोई लीडर बनते हैं तो सवाल उठते हैं, और मुबैना तौर पर ये सवाल उठ रहे हैं कि वारंग बलोच साहिब आप बैरूनी दौरे भी करते हैं और किसके फंडिंग के ऊपर करते हैं। सवाल का जवाब जरा दीजिएगा मैम, ये बैरूनी दौरे के साथ इसका भी साफियों से भी सवाल है, वो ये है कि मुर्तजा सोलंकी जो वफाकी वजीर है उनकी जानिब से हमने उन्हें रब्ता किया, उन्होंने कहा कि अभी तक BYC ने अपने हमारी जो कमेटी है वो गई, उन्होंने अपने मुतालबात हमारे सामने नहीं रखे, तो क्या हालिया दिनों कल या परसों या आज हुकूमत की जानिब से क्या आपको दोबारा से रीच आउट किया गया या आपने मुतालबात अपने दोबारा से रखे? हमारे मुतालबात हुकूमत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने रखे हुए हैं, हमने पूरी दुनिया यूनाइटेड स्टेट्स को हमने अपने मुतालबात की एक कॉपी दी हुई है, हम शुरू दिन से अपने मुतालबात पर ही कैंपेन कर रहे हैं, और हमारे पास अभी मेरे पास बैग में लिस्टें पड़ी हुई हैं, कोई आए ये सारी मीडिया मौजूद है यहाँ पे, कौन आया है, किसने हमें अप्रोच किया कि हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार है। और एक बात मैं वाजिया कहना चाहती हूँ, क्या है हम यहाँ पे पूरी बलोच तहरीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वहाँ पे उभरी हुई है, और जो भी बात होगी वो यहाँ पे होगी, कोई आना चाहता है कोई बात करना चाहता है, आप सबसे पहले उनसे ये पूछे कि अगर आप मुजाकरात के लिए रेडी थे तो आप इन 60 दिनों में आपने इस तहरीक को वायलेंस के जरिए कुचलने की क्यों कोशिश की? कल परसों एक यहाँ पे सेमिनार हो रहा था, कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐसी बात हुई जो आपने इस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरे इस्लामाबाद शहर में कर्फ्यू नाफिज किया? और जिस तरह हमारे साथ बिहेव किया जा रहा है, और जिस तरह इस तहरीक से जुड़े वो लोग जो इस तहरीक की हिमायत में निकले उन पर दर्जनों FIR दर्ज किए गए हैं, मिसिंग पर्सन यहाँ फैमिलीज मौजूद है, वो लोग यहाँ बैठे हुए उसदार में उन पर FIR दर्ज किया गया है। संजीदगी तो ये होनी चाहिए ना कि आप मसाइल को हल करने में अगर संजीदा है सबसे पहले एंड इन्फोर्स डिसअपीयरेंस करें। अगर मुर्तजा सोलंकी साहब इस हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि ये पुरानी हुकूमतों ने अगर कुछ जिबरी गुमशुदगी की है, तो मैं उनसे ये भी पूछूंगी उनकी निगरान हुकूमत के दौरान भी बलूचिस्तान से जिबरी तौर पर लोग गुमशुदा हुए हैं,
नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें ग्वादर से 15 साल का नौजवान बाराच अभी भी गुमशुदा है, उसका कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। तो सबसे पहले उसको तो रोके, सबसे पहले उसे रोके। और बालाच बलोच का कत्ल आपकी निगरान हुकूमत के दौरान ही हुआ, उसके कातिलों को सजा तो दे। वो सीटीडी जिसने बालाच बलोच को मारा उसको लाए कटड़े में अपने, हम हिसाब किताब नहीं करेंगे। हमारा यकीन तो आपके रियासती अदारों से है, हम आपको बोल रहे हैं अपने सीटीडी को अपने अदालतों में पेश करें। उसने जो जंगी जराइम किए उसकी मॉनिटरिंग करें, उसको अकाउंटेबल करें कि किस तरह एक बंदा जो इन्फोर्समेंट डिसअपेयर था जिसको अदालत में पेश किया गया। और उसके अगले दिन आपको ये भी बताता चलूं कि उसके अगले दिन पूरे बलूचिस्तान की वकला ने बायकॉट किया कि एक बंदा जो हमारे सामने अदालत में पेश हुआ, दो दिन के बाद आपने उसकी लाश फेंकी कि वो दौरान हिरासत जो वो एक दहशतगर्द था। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि संजीदगी दिखाने के लिए जिस तरह 60 दिनों के दौरान इस तहरीक को कुचला गया वो सबके सामने सबूत है। निगरान हुकूमत या जो भी है उसको सबसे पहले जो है ना इस तहरीक से जुड़े हुए जितने लोग हैं इन सबका, अगर आपके पास आपकी रियासत के पास सारा डाटा है, आप एक एक फर्द को जो मौजूद है यहाँ पे इनफोर्स डिसअपीयरेंस की शिकार फैमिलीज उनको फोन करके आरासा कर सकते हैं कि आप उनके लोगों को रिहा नहीं कर सकते। ये संजीदगी है। देखिए मैं हमेशा से ये कहती आ रही हूँ कि मुझ पर हमेशा यही इल्ज़ाम लगाए गए हैं और मैं इन तमाम इल्ज़ाम की तरदीद करती हूँ। और मैं किसी भी बैरूनी दौरे में नहीं गई हूँ, कोई ऐसा दौरा जो मशकूक हो जिसको रियासत को लगता हो कि मैं किसी ऐसे दौरे में गई हूँ। मैं यही कहती हूँ कि हम उस तहरीक को यहाँ लेकर आ गए हैं जो बलूचिस्तान के लोगों की पूरी तौर पर नुमाइंदगी कर रहा है। मैं यहाँ इन लोगों की, इन खानदानों की आवाज़ बनकर आई हूँ। अगर रियासत मेरी किरदार खुशी के बजाय इन लोगों की बात सुनती, क्योंकि ये आपके सिटीजन हैं, आपने पूरी एक तहरीक को लाखों लोगों को दहशतगर्द करार देने में अपनी मशीनरी खर्च कर दी और आज जो है ना आप जो है ना इस तहरीक से मुंसलिक हर एक शख्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम उस तमाम इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं। हम बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हम अपना पैगाम सबसे पहला हमारा रियासत से ही डिमांड था, हमारे लोगों को अपनी अदालतों में पेश करो, खुदारा पेश करो, अपने आईन को इज्जत दो, अपने कानून को इज्जत दो, लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली मत मारो, ये इंसान है। कब तक हम अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे? सबसे पहले आप खुद देखिए, जब आपके इस्लामाबाद से साथी हजरात को उठाया जाता है, इम्पोज डिसअपीयर किया जाता है, तो ये रियासत किस शक्ल में कह रही है कि इम्पोज डिसअपीयरेंस है ही नहीं? इसकी जस्टिफिकेशन की चीज को देखें कि कैसे नहीं है। हम तो यहाँ आपके पास सबूत लेकर आए हैं, ये सारे खानदान है, एक एक करके मैं अगर बोल भी दूं, एक एक करके आप सबको, इन सबको सूली में भी चढ़ाए ना, ये बोलेंगे कि आपने इनके प्यारों को अगवा किया है। कोई माँ जो है ना अपने बच्चे के लिए जो इतने सालों से इंतजार कर रही है वो कभी नहीं कहेगी कि नहीं तुमने मेरे प्यारे को नहीं उठाया है। जो आपकी बात कर सके, हमने देखा है कि कोई भी बात नहीं करता। इस वक्त आप अगर इनकी जनरल वॉइस बन रही है तो क्यों ना आप पार्लियामेंट में आए, सियासत में आए, कि जिससे पता चले कि आप हकीकी तर्जमानी भी करें और पावर कॉरिडोर में बैठ कर किरदार भी अदा करें। देखिए पार्लियामेंट मैं नहीं कहूंगी, ये मैं इतनी बड़ी न अस्थी हूँ न रहूंगी, मैं एक आम सियासी वर्कर हूँ और इन माओ और इनकी आवाज बनी हुई हूँ और आगे भी पार्लियामेंट में जितने लोग हैं सबसे पहले वो हमारे लिए आवाज उठाए, हम देखना चाहते हैं। हमारे लिए सबसे मौसर आवाज ये अवामी ताकत है, हम यहाँ पर भी अपने लोगों की आवाज बुलंद करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल मेरा पार्लियामेंट में जाने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है, मैं एक आम स्टूडेंट हूँ, एक सियासी वर्कर हूँ, अपने लोगों को प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, उस जबर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसको कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता, जिस पर हमेशा सियासत हुई है, जेन्युइन बात नहीं हुई है और हकीकी बात कभी सामने नहीं लाई गई। हम उस हकीकी बात को आगे लाएंगे। हमारी जो पार्लियामेंट है वो बलूचिस्तान है और वहाँ पे हम अपनी सियासत कर रहे हैं अपने लोगों के सामने। थैंक यू। डॉक्टर का सवाल है, आखिरी सवाल है डॉक्टर, नहीं बिल्कुल, हम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं है, हम बिल्कुल होपफुल है। हम शुरू दिन से निकले थे, हमने कहा था हम रियासत और उसकी मशीनरी के को बलूचिस्तान में बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जो ये लोग कर रहे हैं उस पर एक्सपोज करेंगे और रियासती अदारों ने जो हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई उस मुहिम ने हमारी तहरीक को कामयाब करार दिया। उस मुहिम की वजह से हमने अपने लोगों को वो पैगाम पहुंचाया जो कभी उन्हें पहुंचाया नहीं गया था।
हम पहले धरनों में बैठते थे, अर्द के लोग भी नहीं जानते थे हम क्यों बैठे हैं, लेकिन मैं रियासत को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया आप लोगों का, आपने जो हेडलाइंस मारंग एक दहशतगर्द है वो हेडलाइंस चलाई, उससे आपके लोगों ने शायद ये जाना तो सही कि मारंग है कौन, और उन्होंने इस बात पर रिसर्च की और आपने अपनी मशीनरी को हमारे लिए इस्तेमाल किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इस तहरीक को कामयाब तहरीक करार दिया। ये माए, इनके हाथों में ये तस्वीरें, ये विटनेस है, पूरा इस्लामाबाद इसको विटनेस करे। जो यहाँ पे लोग आए हैं वो इसके चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरह जिस सर्दी में आप लोग अपने घरों में जो है ना, आज मैं बोलती हूँ कि इस्लामाबाद की आधी आबादी शायद जो है ना माइग्रेट कर चुकी है, गर्म इलाकों में जा चुके हैं, गर्म मुल्कों की जानिब जा चुके हैं। हम यहाँ पे हमने सर्वाइव करके दिखाया। और वो लोग जो कहते थे बलूचिस्तान में तहरीके नहीं उठेंगी, वो सरदारों का वहाँ पे सरदार है वहाँ पे, वो उनको दिखाया कि बलोच हकीकी सियासत कर रहा है, बलोच मुजम्मती सियासत कर रहा है। और उसने न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट करके दिया कि मुजम्मती पुरअमन सियासत एक ऐसे रियासत के सामने कैसे की जा सकती है जो आपको हर हालत में मारने के धुन में है, जो इस्लामाबाद में भी आपको मारना चाहता है, जो बलूचिस्तान में भी आपको मारना चाहता है। ये हमारी तहरीक की कामयाबी है, ये माओं की कामयाबी है। ये अपने घरों में रोते थे कि हमारे बच्चे रियासत ने उठाए, कोई नहीं मानता था। आज जो है ना, आप सब इसके गवाह रहे कि इनके बच्चे किसने उठाए। और जब तक हम यहाँ से जाएंगे, एक एक तस्वीर को एक एक करके निकालते जाएंगे, ये विटनेस हो, पूरी दुनिया विटनेस हो, आप सब विटनेस हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये लोग जो रियासती अदारों ने अपने कैद खानों में बंद किए, ये लावारिस नहीं है, जिनके नाम पर दफाई बजट आपका बढ़ रहा है, जिनके नाम पे आपकी तनख्वाहें बढ़ रही है, जिनके नाम पर आपने बलूचिस्तान को जो है ना एक फैक्ट्री बनाया हुआ है, जहाँ पे आपके कर्नल और जनरल जो है ना सिर्फ पैसे कमाते हैं, वहाँ इंसान भी रहते हैं। वहाँ होने वाले हर इंसानी जराइम को हमने एक्सपोज किया है। ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि पहले पाकिस्तान भर में किसी को ये भी नहीं पता था बलूचिस्तान वजीरिस्तान कैसा है, या क्वेटा बलूचिस्तान है, या इसका दारुल हुकूमत ये है। लेकिन आज हम सब ने बताया कि बलूचिस्तान वो खत्ता है जहाँ से इस मुल्क की जो है ना दिफाई बजट बन रहा है, इस मुल्क की मईशियत चल रही है, और बलूचिस्तान के लोग आधी से ज्यादा आबादी जो है ना आपके टॉर्चर सेल्स में, और आधे से ज्यादा खानदान बिखरे हुए हैं। वो अब भी आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि खुदा राने जीने का हक दिया जाए, वो अपने जीने के हक के लिए आपसे डिमांड कर रहे हैं। और विटनेस रहे पूरा पाकिस्तान, विटनेस रहे इस्लामाबाद में आए हुए जितने लोग आए थे, वो विटनेस रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि इंसानियत है, एग्जिस्ट करती है। और अगर हम इस चढ़ती सर्दी में बैठे हुए थे तो इसी वजह से बैठे हुए थे, क्योंकि बलूचिस्तान में जो हमारे गिदानों में हो रहा है, जो झोपड़ियों में हो रहा है, वो आप सबको बता सके। थैंक यू डॉक्टर।